कभी तो हमें पहाड़ में चढ़ा देता है, कभी खेतों में घुसा देता है, और आज हमें हमारा काम ले आया है बॉक्सिंग रिंग के बिल्कुल सामने। उड़ते हुए पंचेस के बीच आपका स्वागत है पूजापुर की पंचायत में, जहाँ के पंच तो हम थे ही, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे पंचेस आने वाले हैं। तो इतनी सटल हिंट्स और नेचुरल एक्टिंग के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस व्लॉग में हम किस स्पोर्ट्स की बात करने वाले हैं। पर आपको ये नहीं पता होगा हम आपको बॉक्सिंग की नेशनल चैंपियनशिप मिले जाने वाले हैं। यस, आपने सही सुना, क्योंकि अब हम एंटर करने वाले हैं नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि हो रहा है शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में। तो फाइनली पहुंच गए हैं बॉक्सिंग के नेशनल्स में, तो फर्स्ट टाइम काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है यार। देखते हैं ऊपर जाके कैसी होती है नेशनल लेवल की बॉक्सिंग रिंग, और चलते हैं ऊपर। आ गए हैं रिंग के अंदर, और रिंग के अंदर नहीं, बेसिकली मेन कंपाउंड में। बाकी सब बच्चे जो हैं वो इधर बैठे हुए हैं पीछे साइड में, इसलिए हम लोग करते हैं सेटअप, और ये होती है मीडिया में रहने की प्रिविलेजेस। इतनी सीट घेर ली है रिंग के बिल्कुल पास। जो भी जितनी भी स्पोर्ट्स मूवी देखी थी ना, वही वाला फील आ रहा है अब पता नहीं। मैं तो शूट करने में ऐसा आ रहा है यार, जो प्लेयर्स होंगे मतलब बहुत बड़ी डील होती है। करते हैं शूटिंग स्टार्ट, और हमने भी कर लिया अपने बॉक्सिंग ग्लव्स तैयार। पता नहीं इस बॉक्सिंग रिंग और इस स्टेडियम का माहौल ही कुछ ऐसा था कि हमारे सेंसेस भी तेज हो गए थे। वहां का हर एक एलिमेंट, ऊपर लगी लाइट्स, टाइमर वाला टेबल, जजेस टेबल, रिंग और उसकी डिटेल्स, ये सब हमने पहले टीवी पर ही देखा था। बल्कि कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम WWE के सेटअप में आ गए हों। इस स्पोर्ट्स अरीना में हमें जरा जरा से बच्चों में मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह दिख रहे थे। तो रिंग के आसपास का माहौल काफी इंटेंस और गर्म हो गया था। मतलब पार्टिसिपेंट्स तो जोश में थे ही, पर मुझे तो रेफरीज और कोचेस भी काफी खतरनाक लग रहे थे। तो ये तो थे नेशनल्स, पर इससे पहले भी हम यूपी का स्टेट लेवल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गए थे, उसकी फुटेज अब चेकआउट करें। करीब 10-11 साल बाद हम स्कूल गए। अरे नहीं, ये ना ही मेरा स्कूल है और ना ही पुरु का। ये है बुलंदशहर का सेंट मोमिना स्कूल, जहाँ सब जूनियर गर्ल्स की स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी। लेकिन एक बात तो है, सारे स्कूल्स का माहौल मोटा मोटा सेम ही होता है। क्लासरूम के बाहर बिना किसी स्ट्रेस के तफरी काटते बच्चे, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी खुशी खुशी निभाते टीचर्स, और परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड बच्चे। नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए इतना तो बहुत था। इस सब को देखकर मुझे अपने स्कूल में होने वाले जोनल्स की याद आ गई। बस डिफरेंस यही था कि हमारे स्कूल में कोई सेलिब्रिटी चीफ गेस्ट नहीं आता था। फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग रिंग के इतना क्लोज मैं और हम करें, तो ये भी काफ़ी स्पेशल और इंटरेस्टिंग है। बाकी देखते हैं आज का दिन और बाकी पूरे दिन कैसे रहते हैं। सलीम सर के आते ही सारी आंटियां काफी एक्साइटेड हो गई हैं, और सेल्फीज का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को देख के अपने दिन याद आ रहे हैं, और इनफैक्ट जिस साल मैंने पार्टिसिपेट किया था तभी स्टार्ट हुआ भी था। तो वो मेरठ से बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आना, गम शीट लेके आना, फिर वो बनानी पड़ती है सबके अलग अलग। कैसे करते थे आप बॉक्सिंग, इतने आलसी तो? इसीलिए तो एक बार ही करी। और आपका भी बहुत ही अच्छा मैच देखा है हमने। मैं तो पहली बार बॉक्सिंग देख रही थी, तो मुझे काफी मजा आया, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ टीवी पे ही देखती थी। बहुत अच्छा खेला आपने। सुबह ट्रेनिंग होती मॉर्निंग 5 AM,
शाम को मैम वही 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, पढ़ाई के साथ मैम स्पोर्ट्स को जोड़े रखना और उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्म करना भी मैम बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स का सपोर्ट होता है मैम, ये हम सारे पेरेंट्स जो भी वीडियो देखेंगे ना, हम तो ये कहेंगे मैम कि स्कूल वाले भी थोड़ा सपोर्ट करें जो भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। छूट करके इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, जितनी भी अपनी स्पोर्ट्स मूवी हमने देखी हैं, भाग मिल्खा भाग और मैरी कॉम और इन सब के जो शॉर्ट्स हमारे माइंड मेरे माइंड एज अ सिनेमेटोग्राफर मेरे माइंड में है, तो उनको रीटेक लेने का, उनको प्रैक्टिस करने का वो मौका मिल रहा है। मतलब कुछ कुछ मुझे फील भी आया शॉर्ट लेते टाइम, और डेफिनेटली ये जब कंप्लीट होगी तो बहुत ही अलग डॉक्यूमेंट्री बनेगी। और आई थिंक इससे ज़्यादा जब हम डिटेल में जाएंगे, जब हम नेशनल लेवल का भी शूट करेंगे, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इनकी सब प्लेयर्स की बैक स्टोरीज में अगर हम जाएंगे, वो डिपेंड करता है कितना हमें रिसोर्सेज मिल पाते हैं कितने नहीं, तो उस चीज़ पे सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। बट हाँ, स्कोप बहुत अच्छा है। अब मिलते हैं नेशनल चैंपियनशिप के स्टेडियम और रिंग के पास। तो जवान, कैसी है तैयारी आपकी? यहाँ पे माहौल देख के इतना वैसा फील हो रहा है ना, मतलब एड्रेनलिन रश सा आ रहा है। ऊपर का दिखाना एक बार, तो मस्त गजा से फील आ रही है। हर कोने में बॉक्सिंग चल रही है, ऐसे अंदर से जोश आ जा रहा है ना। ऊपर से गाने भी इन्होंने सिद्धू मूसे वाले लगा रखे हैं, वही चल रहे हैं तब से। और इसी बीच एंट्री हुई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीफ गेस्ट की। अब ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वो भी नोएडा में, तो आप सरप्राइजिंग एलिमेंट्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बट फिर एंट्री हुई एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट स्वीटी बूरा की, जो एक्चुअली में बहुत स्वीट थी। मेरा नाम सोनम नायक है, मैं मध्य प्रदेश भोपाल एकेडमी की कोच हूँ। और हमारे साथ पूरी टीम आई है, मेरे साथ मेरी मैडम भी है, मतलब ये भी बॉक्सिंग कोच है। आई होप कि यहाँ से हम गो फॉर गोल्ड। याद है हमें मलिया में मिले थे, हमने बातें भी करी थी व्लॉग में। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस बार ही नेशनल में हमारे यूपी से 13 लड़कियां और 14 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया, और सबसे छोटे वेट से लेके हर वेट में हमारे बच्चे बहुत मेहनत करके और बिल्कुल कॉन्फिडेंट में आए हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस इनके अंदर कि मेडल लेके ही जाए। मुझे एक आध मूव सिखा दोगे कहीं? मुझे भी जरूरत पड़े तो मैं भी मारूं। बिल्कुल सबको आना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं सीख जाऊंगी वैसे। बिल्कुल क्यों नहीं सीखेंगे। यार खाने का ऐसा था कि हम आ गए थे सोच के कि लंच आसपास कहीं देख लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा आउटर में है। और बात यह है कि अब हम ये कैंपस छोड़ के जाना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि शूट भी करना है और हर जगह कुछ भी मिल जा रहा है, और बहुत ऊपर चढ़ के आ गए। एक्चुअली 3rd फ्लोर है शायद ये, तो इसलिए अब हमने यहीं पे स्विगी ऑर्डर कर लिया है। यहीं पे बैठ के आराम से खाएंगे, पानी वानी पियेंगे, शूट करेंगे। यहाँ पे हमने अपना जमावड़ा बना लिया है पूरा, यहीं रहेंगे आज शाम तक। बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि स्विगी ऑर्डर लेने के लिए आप गेट पे जा रहे हो, और वहाँ पे बाउट शुरू हो भी गया है, तो मुझे उसकी भी एक्साइटमेंट हो रही है। पर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो फट से ऑर्डर लेते हैं और जाते हैं ऊपर। मिल गया है ऑर्डर, और अब जाते हैं दौड़ कर इसे खाने के लिए। कॉम्प्लेक्स काफ़ी शानदार है, और जो मैनेजमेंट है वो भी बढ़िया है। ऑब्वियसली गेट रेडी टू फाइट। देखते भी नहीं आप? देखते क्यों नहीं हो मुझे? मैं शूट कर रही हूँ इतना अच्छा। शूट पे मेरा नहीं रहता ध्यान कहीं भी, शूट पे मेरा ध्यान रहता है सब चेक करते, जैसे स्नाइपर का रहता है ना। ओह, बड़े स्नाइपर। बोलो बोलो बोलो, जल्दी आओ। और यार इतना मजा आ रहा है ना शूट करते करते, मेरा तो ध्यान मैच पे चला जाता है। बच्चे इतना मस्त खेल रहे हैं, टेक्निकलिटी का तो हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन देख के तो लग रहा है कि फुल एनर्जेटिक माहौल है, और बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल के मैचेस जो हम टीवी में देखते थे, वैसा कुछ लाइव देख रहे हैं। तो क्या जोशीला मैच चल रहा है इधर लड़कों का रिंग है, उस तरफ है लड़कियों का रिंग, और बहुत अच्छा सेटअप है। मैनेजमेंट भी मुझे अच्छा लग रहा है, और बहुत ऐसा लग रहा है कभी तो यहाँ मैच देख लो, कभी वहाँ चल जाओ, कभी यहाँ आ जाओ, क्या क्या शूट कर लो, क्या क्या नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपको बच्ची बहुत अच्छा खेली है? जी हाँ, बहुत मेहनत। जब जीत के कोई निकलता है फिर उसके बाद नहीं सुनता हूँ किसी की भी, उसके बाद तो सीधा पता नहीं कहीं जाके कॉर्नर में ले जाते हैं उनके कोच। तो जब ये प्रोफेशन चूज़ करा था उसका रीज़न ये था कि यार नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। अब बॉक्सिंग और सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते, नहीं कर सकते ना सीख सकते, लेकिन इतनी क्लोजली जो आप देख लेते हो ना, तो वो एक अलग ही तरीके की हाई होती है, और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम पिछले 8 साल से, तो एटलीस्ट 8-9 साल से। और नोएडा में रह के, और हाँ नोएडा में रह के यार, अगर मतलब मैं तो कहता हूँ ये नहीं एक्सपीरियंस करा तो ज़रूर करना चाहिए, वो भी रिंग के पास आके।
अब ये अलग बात है कि हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली, पता नहीं आपको मिल पाया नहीं मिल पाया। बहुत तेज हो रहा है। इस शूट का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट था, बिकॉज मोस्टली हमारी डॉक्यूमेंट्री शूट में हम लोग ही एक्शन में रहते हैं, बट इस शूट में तो हर तरफ एक्शन ही एक्शन था। तो इन बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी जोश आ गया और मैं सीधा स्टेज पे गोल्ड मेडलिस्ट स्वीटी बोरा के पास पहुंच गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड, आवर इंडिया प्राउड अक्रॉस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। एंड मैम, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी सच स्मॉल किड्स प्लेइंग एंड स्पेशली द स्पोर्ट्स और स्ट्रेंथ? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट यहाँ किए गए हैं, क्योंकि जूनियर और सब जूनियर लेवल पर इतने अच्छे अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलते, लेकिन अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे किए गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना टेक्निकली खेलते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे इतने अच्छे मतलब पंच लैंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ की कि मेरा इंडिया बढ़ रहा है, मेरे मतलब जो इंडिया के बच्चे हैं वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, उनका गेम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेज फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तो पूर्व अब संभल के रहे ना, मेरे पास भी गोल्ड मेडलिस्ट स्वीटी बोरा का नंबर है। अच्छा लग रहा है भैया, नीरज का मैच है। हम शूट की वजह से वैसे तो मैचेस में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, लेकिन एक मैच ऐसा था जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम ऐसी हूटिंग कब की थी, बट हीरत से हम बुलंदशहर में भी मिले थे और वहाँ भी उसने काफी जोरदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। गुरु, हीरत का बाउट हो रहा है, हमें टेंशन हो रही है, हमें स्ट्रेस हो रहा है कि अच्छा होना चाहिए। क्या जबरदस्त मैच है, मैं तो गिरते गिरते बची। बिल्कुल ऐसा दुख हो रहा है जैसे इंडिया हार गई हो, क्योंकि हीरत से हमने बात भी की थी, उससे बुलंदशहर में भी मिले थे और थोड़ा सा वो कनेक्शन सा फील हो गया था। बच्चों ने चीयर करने में कोई कमी नहीं रखी, हीरत ने मैच खेलने में कोई कमी नहीं रखी, बुरा लग रहा है, बट मणिपुर वाली बचनी में बहुत अच्छा खेला। इनफैक्ट दो तीन बार तो मुझे लगते लगते बचा, मैं बिल्कुल हटी तुरंत, उसके बाद मैं ऊपर गई नहीं, मैं बोला मैच काफ़ी तगड़ा और बहुत इंटेंस हो रहा है, बट बुरा लग रहा है, ऑब्वियसली हीरत रो भी रही थी, क्योंकि हम लोग भी सिक्किम जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो सिक्किम के लिए है, और ऐसा वही जाता है ना, कहीं जाते हैं वहाँ से अपनापन आपको फील होता है। और सिक्किम की वो वाली डॉक्यूमेंट्री भी ज़रूर देखिएगा, पांगलापसल होता है ना, उस पे बनाया है चाम डांस पे। हाँ, जीतेगा भाई, जीतेगा। तो अब हो रहा है सिक्किम का मैच, सिक्किम वाले बच्चे बहुत जबरदस्त वहाँ पे चीयर कर रहे हैं, और टीम स्पिरिट है यार, टीम स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सारे लोग आए हैं जो स्टेट से, वो लोग चीयर करेंगे। और यहाँ है सिक्किम के कोच जिनका हमने इंटरव्यू लिया था, जो बहुत ही स्वीट है। यहाँ है पुरु जो कि शूट कर रहा है। यार यही होता है, कोच लोगों का सपोर्ट। और फाइनली सिक्किम जीत गया, कांग्रेचुलेशंस। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जाने का पूरा एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, और इसी तरह हम आप तक यूनिक और इंटरेस्टिंग कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। और अगर आप बॉक्सिंग पर एक मजेदार डॉक्यूमेंट्री जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे कम से कम कितना टारगेट रखना है? 100? चलो हाँ 100 रखते हैं, 100 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, और उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्री जल्दी देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप कर सकते हैं, जिसका नाम है इम्परफेक्ट टेल्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।